गार्डन गपशप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी स्वाद और सेहत का एक अनोखे मेल के बारे में, यानी कि चटनियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में बनने वाली जो चटनी है सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 20 ऐसी चटनी के बारे में जो आपके स्वास्थ्य का खजाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनिया और पुदीना की चटनी, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। अपने आप घर के अंदर धनिया और पुदीना बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ताजा धनिया और पुदीना से बनी जो ये चटनी है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है और जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस बनती है उसको भी खत्म करती है। जो दूसरी चटनी है वो है अदरक की चटनी। देखिए, जो अदरक है वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जो राइजोम है वो बनने लगते हैं और धीरे धीरे इनमें से ही जो अदरक है वो बहुत ज्यादा फैलती चली जाती है गमले के अंदर। तो अदरक की जो चटनी है वो आपके शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स बनाने का काम करती है, तो जो सर्दी या खांसी में भी बहुत ज्यादा मैजिकल आपकी बॉडी में काम करेगी। तीसरा जो आती है वो है आपकी इमली और गुड़ की चटनी। देखिए, इमली का पौधा मतलब शास्त्रों में और बहुत जगह मतलब मना ही है कि हम अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। अगर अपने हम घर के अंदर नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, घर के बाहर तो लगा सकते हैं ना। तो इमली और गुड़ की चटनी एक डाइजेशन फ्रेंडली काम करती है और ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन है उसको भी सुधारती है, और अगर स्टमक के अंदर अल्सर हो रहे हैं तो उसको भी रोकने में मदद करती है। बात कर लेते हैं अपनी चौथी चटनी के बारे में, जिसका नाम है टमाटर की चटनी। देखिए, जो टमाटर है इसका पौधा भी घर के अंदर आसानी से उग जाता है। ये जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरे यहाँ पे अभी ग्रो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी 4 महीने पहले ही बीज लगाए थे, जिससे ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो टमाटर की चटनी भी आपके स्किन को एक तो चमकदार बना देगी और आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा कर देगी। तो देखिए, अगर घर के अंदर आपने टमाटर लगाए होंगे ना, मतलब टमाटर का पौधा लगाया होगा, तो आप आसानी से इसकी चटनी भी बना सकते हैं। पांचवी जो चटनी है वो है मिर्च की चटनी। देखिए, बहुत ज्यादा तीखी होती है लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, और जो लोग सोच रहे हैं अपने वजन को घटाने की तो वो मिर्च की चटनी को बना के इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिल सकती है। जो छठी चटनी है उसका नाम है नारियल की चटनी। देखिए, जो नारियल की चटनी होती है ना, वो आपके जो पेट है उसको कूलिंग इफेक्ट देने का काम करती है। और अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां पे जो नारियल की चटनी है सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होती है बल्कि शरीर को भी ठंडक देती है, तो आपको नारियल की चटनी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सातवीं अपनी अलसी की चटनी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फ्रेंडली चटनी। वो इस वजह से अगर आप अलसी की चटनी बनाते हैं तो ये आपके हार्ट के हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखेगी और आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी कमी को पूरा करेगी। बात कर लेते हैं हरा लहसुन की चटनी, जो कि हमारे बोन्स को, हमारे हड्डियों को स्ट्रेंथ देती है। और देखिए, लहसुन तो हर घर में अच्छे से उग भी जाता है, तो जो आप हरे लहसुन है इससे बनी चटनियों को बोन्स को ये मजबूत बनाती है और कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। बात कर लेते हैं अगली चटनी के बारे में, जिसका नाम है पुदीना और अमचूर की चटनी, जिसको कूलिंग और टैंगी भी बोला गया है। देखिए, गर्मी के मौसम में हमें ठंडक चाहिए होती है, तो ऐसे में आप पुदीना और अमचूर की चटनी को बना के शरीर को तुरंत क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। अगली चटनी जो है वो है मूंगफली की चटनी। प्रोटीन पैक्ड, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, मूंगफली लीजिए और उसको चटनी बना लीजिए, यानी कि उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो आपको दिखाई देगा, जो चूरा चूरा सा जो दिखाई देगा, उसको खाना शुरू कर दीजिए डेली। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और यहाँ तक कि जो हमारी मांसपेशियां होती है उसको भी ये स्ट्रांग करने का काम करती है। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, अब आगे सुनिए और कौन कौन सी चटनियां जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मैजिकल काम करेंगी। अब बात कर लेते हैं तुलसी की चटनी के बारे में। देखिए, तुलसी का पौधा घर में लगा होगा तो आप आसानी से तुलसी की चटनी बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ। यानी कि तुलसी की जो चटनी है वो सर्दी, जुखाम, खांसी, इन सब में रामबाण है। और तुलसी के पत्तों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है,
तो अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बात कर लेते हैं कड़ी पत्ते के बारे में। कड़ी पत्ते की जो चटनी होती है वो ना सिर्फ हमारे हेयर को यानी हमारे बालों को स्वस्थ करती है, यहाँ तक कि हमारे स्किन को भी बेहतर बनाने का काम करती है। तो कड़ी पत्ता थोड़ा सा लीजिए और उसको पीस के पानी में थोड़ा सा और उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं अगली चटनी के बारे में, जिसका नाम है नीम की चटनी, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफायर। अगर आपको अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो ऐसे में आप नीम की चटनी को खाना शुरू कर दीजिए। ये आपकी बॉडी में जाके अंदर से प्योर करना शुरू कर देगी और जो बैड बैक्टीरिया है उसको किल कर देगी। तो अब इसके लिए आपको कोई और अल्टरनेटिव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीम का पौधा अभी अगर हम घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, तो हम क्या हुआ, बाहर तो इतना स्पेस है, आप बाहर जाके नीम के पौधे को लगाइए और फिर उससे कितने ही सारे एडवांटेजेस आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं आंवले की चटनी के बारे में। देखिए आंवले की जो चटनी है, आंवले के अंदर विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड बीमारियों को दूर कर सकता है और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करने के लिए आंवला बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बालकनी में आप आंवले का पौधा लगा सकते हैं और वहां से आंवला धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा आंवला भी बेयर करेगा और फिर आप आंवले की चटनी भी बनाइए। और जब तक नहीं कर रहा है तब तक पौधा तो लगाइए और आंवला बाहर से खरीद लीजिए। बात कर लेते हैं दूसरी अगली चटनी के बारे में, जिसका नाम है आम की खट्टी चटनी। देखिए जो आम की खट्टी चटनी है ये एपेटाइट को इनहेंस करती है यानी कि भूख को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है ना तो उनको आप आम की खट्टी मीठी चटनी बना के दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्याज और मिर्च की चटनी। पहले के टाइम में प्याज और मिर्च की चटनी जो किसान लोग होते थे वो अपने खेतों पे काम करते हुए लेके जाते थे और उससे रोटी खाते थे और स्ट्रांग रहते थे। तो जो प्याज और मिर्च की जो चटनी है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा बनाती है और कहीं पे भी अगर बॉडी में गांठें बन रही है तो उसको भी खत्म करती है। तो आज से आप प्याज और मिर्च की चटनी खाना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं अपनी जो हमारी हरी मटर की चटनी है उसके बारे में। देखिए मटर के अंदर बहुत ज्यादा आयरन और मैग्नीशियम होता है, तो आप जितना ज्यादा मटर खाएंगे उतनी अच्छे से आपका आयरन और मैग्नीशियम की कमी बॉडी के अंदर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये थी आपकी 20 जादुई चटनियां जो आपके टेस्ट को साथ साथ बीमारियों को भी दूर कर सकती हैं। क्या आप इन चटनियों को अपने किचन में बनाने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और पेड़ पौधों को लगाते रहें।